किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रेस वार्ता का रखा आयोजन। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने आज अजमेर में प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए किसान अधिकार यात्रा की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने और तीनों कृषि कानून को वापस लेने तक जारी रहेगा। इसे लेकर देश भर में किसान अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी किसान लंबे समय से सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर आंदोलन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि MSP पर खरीद का कानून बनाने के लिए आंदोलन सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे इसकी मांग पूरे देश में शुरू हुई है। इसी का परिणाम है कि दिल्ली के आसपास सभी आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक MSP खरीद कानून नहीं बनाया जाएगा और तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। क्या मुद्दा है? देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनवाने और तीन नए कानूनों को वापस करवाने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ये शुरू हुई है राजस्थान में किसान अधिकार यात्रा। उसका यह पहला चरण चल रहा है, उसी संदर्भ में आज अजमेर में आना हुआ है और इसके संबंध में इतना कहना चाहूँगा कि अभी ये आंदोलन देश में हर किसान से जुड़ा हुआ आंदोलन हो गया और इस आंदोलन में किसान सत्याग्रह की भावना से काम कर रहे हैं, स्वयं को तपा रहे हैं। जब कड़कड़ाती ठंड थी, उस कड़कड़ाती ठंड में भी बरसात हुई, ओले गिरे, पाला पड़ा, ओस पड़ी, टेंट सारे चूगे, लेकिन किसान डटे रहे, इसलिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपजों की खरीद वो होनी चाहिए। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा, ये तो सही बात है और इसमें हमको कहीं किसी को संदेह भी नहीं, लेकिन हमारा दर्द ये नहीं है। हमारा दर्द यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके उपरांत भी राजस्थान में जो बाजरा उत्पादन कर रहा है उसको अपना बाजरा 1100, 1200, 1300 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ रहा है, यानी एक क्विंटल पर 1000 रुपये तक का घाटा उठाकर। यही स्थिति मक्का की है, मक्का 800, 900 रुपये प्रति क्विंटल बेचनी पड़ रही है जब उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 है। तो धान हो, मूंग हो, जो भी फसलें हैं वह न्यूनतम समर्थन मूल्य होते हुए भी उसमें खरीदी नहीं जा रही, ये किसानों का दर्द है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उद्बोधन हुए संसद में दो, उन दोनों में ही ये दर्द व्यक्त नहीं हुआ, इसलिए किसानों को इस दर्द के साथ खड़े होने के लिए हमने शुरू की किसान अधिकार यात्रा। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय एम्पावर्ड कमेटी बनी, उसके चेयरमैन थे और चेयरमैन के रूप में इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी कि किसानों की खुशहाली तभी संभव है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। और वही कानून 2012 में बना के उसका प्रारूप हमने तैयार करके दे दिया और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी अजमेर में हुई 2010 में। उसके बाद 2014 में 8 अगस्त को लोकसभा ने सर्वसम्मति से एक निजी विधेयक को इसके संबंध में विचारार्थ स्वीकार किया, उसके उपरांत भी कानून नहीं बनाया। इतना ही नहीं तो 2016 में दूदू से दिल्ली ट्रैक्टर कूच हुआ, उसको रोका गया, उसमें समझौता हुआ और समझौते में प्रधानमंत्री कार्यालय में सहमति हुई कि ये कानून सरकार बनाने को तैयार है, उसको उपरांत भी नहीं बढ़ा। उल्टा सरकार 5 जून 2020 को खेती के कॉरपोरेटकरण के लिए तीन कानून ले आई, उससे ये आंदोलन ऊंचा हो गया। तो राजस्थान से ये शुरू हुआ आंदोलन, दूधों का ये आंदोलन देश का आंदोलन बन गया। आज उसी की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं और उसी के लिए हम सब अभी किसानों में जागरण के लिए ये किसान अधिकार यात्रा लेकर आए हैं। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत। कान्हा श्री रेस्टोरेंट,
एक बार आएंगे तो यहाँ का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। आपकी हर सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी और कॉन्फ्रेंस को हम बनाएंगे यादगार। डिलीशियस, यमी, प्योर वेजिटेरियन वैरायटीज ऑफ फूड। नाउ गेट 10% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स कहनाश्री रेस्टोरेंट, 824C A Block, नियर सिटी स्क्वायर मॉल, पंचील नगर, अजमेर। सो कॉन्टैक्ट 9929590449।